सो हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती क्रॉप पत्ती ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में यूपीआई आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऐप में यूपीआई आईडी चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलेगा इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप को करना है आपको ओपन। ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको स्टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से आपको विड्रो का ऑप्शन पर करना है क्लिक। विड्रो का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो यूपीआई आईडी आपने पहले से डाल रखा है उसको पहले आपको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आपको दूसरा यूपीआई आईडी डाल लेना है। यहाँ पे नेम डाल लेना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेना है, यहाँ पे डाल लेना है सबसे नीचे आपको यूपीआई आईडी। डालने के बाद में आपको अपडेट पर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपका जो यूपीआई आईडी है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।